अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको MBBS 2021 का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट बताएंगे, जो कि इस साल कम होगा, लास्ट ईयर की निस्बत इस साल कम होगा, क्यों कम होगा और कितना होगा आपको तफसीली बताएंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको एक एनालिसिस बताया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर की निस्बत कम होगा, आपको तफसीली बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर NMD कैट से रिलेटेड अपडेट्स अपलोड होती रहती हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ये अपडेट्स जैसे ही अपलोड होंगे वो आप तक फौरी पहुँचेंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एनालिसिस है NMD कैट 2020 और 2021 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने NMD कैट 2020 में 180 प्लस मार्क्स लिए थे, वो सिर्फ 3493 स्टूडेंट्स हैं। तो इसके अलावा इस बार 2021 के जो NMD कैट है, इसमें 180 प्लस मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ 1601 स्टूडेंट्स हैं। मतलब कि लास्ट ईयर की निस्बत वो हाफ भी नहीं है, हाफ से भी कम है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर की निस्बत इस बार मेरिट कम होगा, और आपको बताएंगे कि कितना होगा। 1/1 कॉलेज का आपको क्लोजिंग मेरिट बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था वो 94.58 था, और इस ईयर जो होगा इसका क्लोजिंग मेरिट जो होगा वो 92.50 होगा। अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट जो था वो 93.74% था, इस बार इसका जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो 92.10% होगा। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर, इसका क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर जो था वो 93.24% था, और इस ईयर इसका क्लोजिंग मेरिट जो होगा वो 91.50% होगा। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट जो 92.69% था, इस बार इसका क्लोजिंग मेरिट 91% होगा। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 92.65% था, और इस ईयर इसका क्लोजिंग मेरिट 90.85% होगा। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 92.36 था, और इस ईयर इसका क्लोजिंग मेरिट 90.55% होगा। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 92.17% था, इस बार इसका क्लोजिंग मेरिट 90.35% होगा। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 90.99% था, इस बार इसका क्लोजिंग मेरिट 90.17%। कैद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 91.96 था, और इस बार इसका क्लोजिंग मेरिट 90.17% होगा। साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 91.90% था, और इस ईयर इसका लास्ट क्लोजिंग मेरिट जो होगा 90.07% होगा। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 91.86 था, और इस ईयर इसका क्लोजिंग मेरिट जो होगा वो 89.85% होगा। सरगोधा मेडिकल कॉलेज सरगोधा, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 91.75 था, इस बार इसका क्लोजिंग मेरिट 89.95% होगा। इसके अलावा नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट जो था 91.74% था, इस बार इसका क्लोजिंग मेरिट 89.50% होगा। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 91.72% था, और इस बार इसका क्लोजिंग मेरिट 89.70% होगा। डीजी खान मेडिकल कॉलेज, इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 91.67% था, और इस बार इसका क्लोजिंग मेरिट 89.65% होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 91.67% था, और इस बार 89.65% होगा। मतलब कि 2% जो होगा मेरिट वो लास्ट ईयर की निस्बत इस बार कम होगा, क्योंकि इस बार NMD कैट जो था वो काफ़ी मुश्किल था। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। शुक्रिया।